वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किन लेवल्स को डिफेंड कर पाता है, कौन सा लेवल सस्टेन हो पाता है, उसके बाद रणनीति पे फोकस। और पेन बढ़ेगा ये क्लियर है। फ्राइडे को हमने दबाव आता हुआ देखा था, चौतरफा बिकवाली का प्रेशर था, हर सेक्टोरल पॉकेट लाल निशान में थी, लॉसेस को लीड कर रहे थे बैंक्स, वो फाइनेंशियल्स, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये वो पैक्स थे जो अच्छे खासी कमजोरी, अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। पर कहने वाली बात, चौतरफा मतलब हर सेक्टोरल पॉकेट कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही थी, तो दिक्कत भरी शुरुआत होगी। देखते हैं किन लेवल्स के आसपास हम थमते हैं। 250 पॉइंट के एक बड़े गैप डाउन के साथ आज इस ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी वीक की शुरुआत होगी। फ्लोर खोल दीजिए, जो जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग, और वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। मानस, बिगड़ा हुआ मूड है, ऐसे में क्या करना है, कौन से स्टॉक्स है रडार पे? देखिए, वीकनेस तो काफी स्टॉक्स में लगती है। मैंने मॉर्निंग में एसबीआई और हिंडाल्को की बात की थी, और बहुत सारे उसके अलावा भी एफएनओ स्टॉक्स अगर आप देखिए तो कुछ ने ब्रेकडाउन दिया है। फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। देखिए, ट्रेड लेना थोड़ा इस टाइम पे बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि जब ओपन होगा तो किस लेवल्स पे स्टॉक्स ओपन होंगे। लेकिन एक व्यू की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से फार्मा में वीकनेस देखने को मिल सकती है। लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं। मेरा जो पिक है वो डॉक्टर रेड्डीज है क्योंकि स्टॉक ने अपने पॉइंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं। एक सपोर्ट था 4200 के आसपास, उसको ब्रीच किया है, तो मेरा समझना है कि डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली करके चलना है। 4260 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर आपको 4050 तक के स्तर डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन ये मार्केट ओपन होने के बाद लेवल्स देख के ही